हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ अटकल एग्ज़ाम वायरस में। कंप्यूटर बेसिक की आपकी ये दूसरी क्लास है। पिछले क्लास हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट केस देखी थी हमने, टॉगल की देखा था, मॉडिफायर की देखा था, कुछ MCQs डिस्कस किए थे। आज हम नेविगेशन केसेस शुरू करेंगे। नेविगेशन की होती क्या है देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुरू करते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन आपकी मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करते हैं किसी मैप को यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि गूगल मैप यूज़ करके हम नेविगेशन करते हैं, डिफरेंट जगह को जाते हैं जहाँ पे हमें किसी जगह का प्रॉपर लोकेशन पता नहीं होता, हमें रास्ता नहीं पता होता है, तो वहाँ पे हम गूगल मैप यूज़ करके नेविगेशन करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में नेविगेशन की यूज़ किया जाता है पॉइंटर या फिर कर्सर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए। अगर आप माउस को यूज़ करके कर्सर को स्क्रीन पे मूव कर सकते हो, वैसे ही नेविगेशन कीज यूज़ करके हम पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकते हैं। देखेंगे आपके कुछ एग्जांपल नेविगेशन की के, कौन कौन सा की नेविगेशन की में इंक्लूड होता है। नेविगेशन की इंक्लूड द फोर एरो की, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड की। आपकी नेविगेशन की में आपके चार एरो की आते हैं। इमेज में देखिए आपके चार एरो की हैं, फिर आपका पेज अप बटन है, पेज डाउन है, होम है, एंड है। ये सारी कीज आपकी नेविगेशन कीज होती है। इन सारी कीज को यूज़ करके पॉइंटर या फिर कर्सर को मूव किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन में पॉइंटर या फिर कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए, एंटर की इज एक्सेप्शन हियर। एंटर की आपकी नेविगेशन की नहीं है, जबकि एंटर जब भी हम प्रेस करते हैं आपकी कर्सर की मूवमेंट होती है, पॉइंटर या फिर कर्सर का लोकेशन चेंज होता है एंटर की जब हम प्रेस करते हैं, बट इसको हम नेविगेशन की में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, डिलीट एंड इंसर्ट कीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ नेविगेशन कीज। डिलीट और इंसर्ट कीज भी आपकी नेविगेशन की में इंक्लूड होती हैं। तो आपकी नेविगेशन कीज कौन कौन से हो गए? एरो की चार आपकी एरो की हुई, पेज अप हुआ, पेज डाउन, होम एंड, और आपकी डिलीट इंसर्ट कीज। ये सारी कीज आपकी नेविगेशन कीज हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ नेविगेशन की। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में है, इनमें से कौन सा राइट कॉम्बिनेशन है नेविगेशन की का। ऑप्शन देखते हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम, शिफ्ट। दूसरा ऑप्शन है होम, पेज अप, पेज डाउन, एंटर। तीसरा है होम, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, CTRL। चौथा है पेज अप, पेज डाउन, होम, फोर एरो कीज। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम, शिफ्ट। शिफ्ट बटन आप जानते हो ये नेविगेशन की नहीं है, ठीक है। शिफ्ट वर्ड से कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये नेविगेशन की नहीं है। दूसरे ऑप्शन में आपकी एंटर की देख रहे हो, लास्ट में एंटर की है, ये मैंने बोला है ये एक्सेप्शन में जाती है, ये नेविगेशन की नहीं है। कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होना है कि अगर हम एंटर प्रेस करते हैं पॉइंटर की लोकेशन चेंज हो रही है, बट ये आपकी नेविगेशन की में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर भी आंसर नहीं होगा। तीसरे में आपका है होम, पेज अप, पेज डाउन, CTRL, कंट्रोल। CTRL आपकी कंट्रोल की है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये नेविगेशन की में इंक्लूड नहीं होता है, तो ये भी गलत आंसर है। आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। इसमें कौन कौन से कीज़ आप देख सकते हो? पेज अप, पेज डाउन, होम, फोर एरो कीज। आपकी चार एरो कीज नेविगेशन कीज होती हैं, पेज अप तो हमने पढ़ा, पेज डाउन, होम, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बेस्ड ऑन द रीजन एंड लैंग्वेज यूज्ड। आपकी कौन से कंट्री में कीबोर्ड को बनाया गया है या फिर उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसके बेसिस में भी कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं QWERTY कीबोर्ड। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड। ये आपकी बहुत ही कॉमनली इस कीबोर्ड को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द टॉप रो बटन। आपके कीबोर्ड के टॉप रो में जो पहला 6 लेटर होता है, उसके बेसिस में ही QWERTY कीबोर्ड का नाम डिराइव हुआ है। आपके QWERTY कीबोर्ड में आप इमेज में देख सकते हैं, आपका फर्स्ट लेटर है Q,
दूसरा है डब्ल्यू, तीसरा ई, फिर आर है, देन आपका टी है, फिर वाई। आपके फर्स्ट सिक्स लेटर्स क्यूएटी होते हैं, क्यूएटी कीबोर्ड में, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी चेक कर सकते हो, अपना कीपैड ओपन कीजिए, वहाँ पे फर्स्ट सिक्स लेटर क्या है उसे चेक कीजिए। फर्स्ट सिक्स लेटर आपके कीपैड की होगी क्यूएटी, ठीक है। नेक्स्ट कीबोर्ड देखते हैं एजटी, ओके। एजटी कीबोर्ड आपका क्यूएटी कीबोर्ड का ही रिप्लेसमेंट है या फिर उसका अल्टरनेटिव है। ये आपके, इसको हम स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड भी बोलते हैं। ये फ्रांस में या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है, वहीं पे ये डेवलप हुआ था, वहीं पे बनाया गया था। एजटी कीबोर्ड में आपकी फर्स्ट दो लेटर ए और जेड है। क्यूएटी में आपकी क्यू डब्ल्यू फर्स्ट दो लेटर थे, एजटी में उसे रिप्लेस करके ए और जेड रखा गया। एजटी कीबोर्ड में भी फर्स्ट सिक्स लेटर ए जेड ई आर टी वाई है, जैसे क्यूएटी में था, तो इसका नाम भी फर्स्ट सिक्स लेटर से डिराइव हुआ है। कीबोर्ड के टॉप रो के फर्स्ट सिक्स लेटर से एजटी कीबोर्ड का नाम डिराइव हुआ है। उसके बाद है आपका डेवरक कीबोर्ड। डेवरक कीबोर्ड क्या है ये देखते हैं। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड लेआउट वॉज डेवलप टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड बाई रिड्यूसिंग द फिंगर मूवमेंट वाइल टाइपिंग। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेटर्स आर केप्ट इन ए होम रो टू इम्प्रूव टाइपिंग। इसमें क्या क्या गया है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कि हमें चाहिए रहता है या फिर लेटर्स हमें चाहिए रहता है, जिसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसको होम रो में रखा गया है, ताकि हमें फिंगर मूवमेंट हमारी कम हो जाए और टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ जाए। आप इमेज में देख सकते हो, डेवरक कीबोर्ड का एक इमेज मैंने दिया है, समझने के लिए आपके लिए ईजी रह जाएगा, ठीक है। इसमें होम रो में आपके जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कीज हैं उन्हें होम रो में रखा गया है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है, आपकी फिंगर की मूवमेंट कम होती है और टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेआउट ऑफ कीबोर्ड। इनमें से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट है, ठीक है। लेआउट यानी कि किस तरह से कीज कीबोर्ड में अरेंज किए हुए हैं, उसको लेआउट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है डेवरक, एजटी, क्यूएटी, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें आंसर है ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे आपकी कीबोर्ड की लेआउट है, तो आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर देखते हैं माउस। माउस होती क्या है, आप सबने माउस देखा होगा। ये एक इम्पोर्ट डिवाइस है जिसे यूज़ करके हम कर्सर या फिर पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, माउस इज ए हैंड हेल्ड इम्पोर्ट डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। माउस आपकी एक डिवाइस है, इम्पोर्ट डिवाइस है, जिसे यूज़ करके पॉइंटर या फिर कर्सर को स्क्रीन के चारों तरफ मूव किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं माउस का इमेज, ओके। माउस में दो तरह की बटन होती है, एक राइट बटन होती है और एक लेफ्ट बटन होती है, और एक स्क्रॉल व्हील होता है, दोनों बटन के बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। माउस को किसने इन्वेंट किया था, माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डॉगलस सी एंगलबर्ट इन 1963। माउस को 1963 में डॉगलस सी एंगलबर्ट ने इन्वेंट किया था। टाइप्स ऑफ माउस, माउस आपके कितने टाइप के होते हैं, आपकी दो टाइप की माउस होती है, एक मैकेनिकल माउस होती है और एक ऑप्टिकल माउस होती है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है ये देख लेते हैं। मैकेनिकल माउस हैड ए रोलर बॉल इंटीग्रेटेड एज ए मूवमेंट सेंसर अंडरनीथ द डिवाइस। मैकेनिकल माउस में आपकी रोलर बॉल होती है, जो डिवाइस के माउस के नीचे, उसके नीचे होती है, और वो मूवमेंट सेंसर के जैसे काम करती है, यानी कि आपकी मूवमेंट को वो सेंस करती है। आप जब माउस की मूवमेंट करते हो उसको सेंस करती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका पॉइंटर स्क्रीन में मूव होता है। इमेज में देख सकते हैं मैकेनिकल माउस का इमेज है, उसमें आपकी रोलर बॉल देखिए, बॉल की तरह है इसका स्ट्रक्चर, इसे रोलर बॉल बोला जाता है, और ये आपकी मूवमेंट को सेंस करती है। उसके बाद है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी दैट कंट्रोल्स कर्सर मूवमेंट बाय विजिबल और इनविजिबल लाइट बीम, ओके। अब के टाइम में हम जो भी माउस यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस होता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये काम करती है। इसमें विजिबल या फिर इनविजिबल लाइट बीम होता है, जो आपकी मूवमेंट को सेंस करती है, ठीक है। जो आप माउस की मूवमेंट करते हो उसे एक विजिबल या फिर इनविजिबल लाइट होती है, उससे आपकी मूवमेंट सेंस होती है, और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंटर या फिर कर्सर स्क्रीन पे मूव होता है। ऑप्टिकल माउस का
इमेज देख लीजिए, ये आप जनरली आप सबने यूज़ किया होगा, देखा भी होगा। अभी के टाइम में जितने माउस यूज़ किए जाते हैं उसे हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इम्पोर्ट डिवाइस विच स्कैन्स द पिक्चर और ए डॉक्यूमेंट। द स्कैन पिक्चर और डॉक्यूमेंट इज देन कन्वर्टेड इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट और फाइल एंड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज एन आउटपुट। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर आपके पिक्चर या फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। डिजिटल फॉर्मेट या फिर फाइल के फॉर्मेट कन्वर्ट करके उसे स्टोर करके रखती है, ठीक है। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो स्कैनर है और एक हार्ड कॉपी, फ़ोटो की हार्ड कॉपी है उसके ऊपर। इस कॉपी को स्कैनर स्कैन करती है फिर उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। हार्ड कॉपी यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं उन्हें हार्ड कॉपी बोला जाता है, और सॉफ्ट कॉपी जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है या फिर कैरेक्टर फॉर्म में होता है उसे सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। सॉफ्ट कॉपी ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इमेजेस होती हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती हैं, और जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है जैसे आपके पास कोई पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ हुआ वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो आपकी हार्ड कॉपी बोली जाएगी, ठीक है। तो स्कैनर आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है। टाइप्स ऑफ स्कैनर देखते हैं। पहले बीसीआर जिसे हम बार कोड रीडर भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर आपके शॉपिंग मॉल्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसे आपने देखा होगा, आपने जब आपको बिलिंग करनी रहती है तो जो बंदा या फिर बंदी बिलिंग काउंटर में होती है वो आपके बार कोड को रीड करती है। आपने जो भी सामान खरीदा रहता है उसमें एक बार कोड होता है, उसे बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं और उसके प्राइस या फिर बाकी के डिटेल्स उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं बीसीआर का इमेज है, ठीक है। फिर देखते हैं ओएमआर। ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने सब देखा होगा ओएमआर सीट देखी होगी आपने, एग्ज़ाम में यूज़ होता है ओएमआर सीट। और ओएमआर रीडर, ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है ये एक स्कैनर होता है जो ओएमआर सीट को रीड कर सकती है, ठीक है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या होता है? ये आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर पिक्चर्स को स्कैन कर लेती है, ठीक है। इमेज में देखते हैं ओसीआर का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे एक बुक देख सकते हैं आप, बुक की स्कैनिंग हो रही है, जो भी बुक है इसको ये स्कैन कर लेती है और एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट करती है। वर्ड फाइल को हम एडिटिंग भी कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बुक को हम स्कैन कर सकते हैं फिर बुक जो कि वर्ड फाइल हमारी जनरेट होती है उसे हम एडिट कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना रहता है तो आराम से किया जा सकता है। तो ओसीआर का एग्जांपल आपने देख लिया। उसके बाद देखते हैं एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दिस स्कैनर रीड्स ओनली मैग्नेटिक इंक। यह आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इंक को रीड करने में काम में आती है। इट इज़ फ्लैट एंड हैंड हेल्ड। यह फ्लैट होती है और हैंड हेल्ड होती है, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं MICR का की इमेज है ये। इसमें आपके चेक को स्कैन किया जाता है। चेक कंटेंस MICR कोड। आपके चेक में MICR कोड होता है। एक चेक का सैंपल मैंने दिया है समझने के लिए, आप देख सकते हो इसमें MICR कोड है। ये 9 डिजिट की होती है ये कोड। इसमें फर्स्ट 3 लेटर्स होते हैं आपके सिटी के, नेक्स्ट 3 लेटर आपके बैंक के होते हैं, उसके बाद का 3 लेटर आपका ब्रांच होता है, ठीक है। कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है, लास्ट 3 लेटर आपका ब्रांच होता है, ठीक है। तो ये MICR कोड को जो चेक में होता है इसे MICR स्कैनर रीड करती है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ स्कैनर्स। देन आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? 2nd ऑफ दिसंबर।
एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नॉन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज़, आपकी वर्ल्ड की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सी थी? ENIAC आपके वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जिन्हें आता है वो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है? जिन लोगों को पता है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट में लिख सकते हैं आंसर। द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन, आपकी फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था? 1946। द सिस्टम यूज इन द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, आपके मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में जो सिस्टम यूज़ होती है उसे क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिटल सिस्टम। द फर्स्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय नासा इज़, आपकी नासा ने जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था उसको क्या बोला जाता है, फिर उसका नाम क्या है? कोलम्बिया आपके वर्ल्ड की आपके सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसे नासा ने डेवलप किया था। द फर्स्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सी है? T3A आपके वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड एट, इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? ISO कोलकाता में सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था, 1955 में इंस्टॉल किया हुआ था। द फर्स्टेस्ट प्रिंटर इन द कंप्यूटर इस, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर आपके कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर होती है। द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज, आपके सबसे पहले कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया था? मशीन लैंग्वेज यूज़ किया गया था। इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को क्या यूज़ करके लिखा जाता है? बाइनरी डिजिट्स ओनली, मशीन लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करके प्रोग्रामिंग की जाती है। डिवाइस रिक्वायर्ड टू रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, वो कौन सी डिवाइस होती है जिसमें डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में रिसीव किया जाता है? रिसीव्ड इनटू द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है, इसे हमने पढ़ा हुआ था पिछले क्लास में, इनपुट यूनिट्स। ओके, इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस को यूज़ करके कंप्यूटर में डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। द कीबोर्ड माउस MICR OMR OCR आर कॉमनली अटैच्ड एज, आपकी कीबोर्ड माउस MICR OMR या फिर OCR ये क्या होती हैं? ये सारी आपकी इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट होती हैं। द प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कॉमनली अटैच्ड एज, आपकी प्रिंटर या फिर मॉनिटर क्या होती है? प्रिंटर और मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो यह आंसर हो रहा है आपका आउटपुट यूनिट। द डिवाइस विच हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो डिवाइस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हो, कम्युनिकेट यानी कि उसको कोई डेटा दे पाते हो या फिर उससे कोई डेटा ले पाते हो, कौन सी डिवाइस को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जब हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइस जब हम कंप्यूटर से डेटा लेते हैं, ठीक है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को यूज़ करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के ब्रेन किसे बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय इट्स, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपकी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है। द CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। हार्डवेयर यानी कि वो सारी कंप्यूटर के कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम फिजिकली टच किया जा सकता है, उसे हार्डवेयर बोला जाता है। CPU आपके हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। डिवाइस यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा इज़, वो डिवाइस जिसमें प्रोग्राम या फिर डेटा स्टोर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ALU या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है? वो डिवाइस जिसमें प्रोग्राम या फिर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। द मेमोरी वर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ,
कंप्यूटर की जो मेमोरी वर्ड होती है उसे क्या बोला जाता है, या फिर वो किससे एसोसिएटेड होता है? वो स्टोरेज से एसोसिएटेड होता है, या फिर कंप्यूटर के मेमोरी को हम स्टोरेज भी बोलते हैं। द कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर ए लार्ज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज, कंप्यूटर की वो कौन सी हार्डवेयर है जिसमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। चिप, चिप आपकी वो कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। हु डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आपके आईसी या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को किसने डेवलप किया है? जे एस किल्वी ने आपके आईसी को डेवलप किया है। द लेयर ऑन द इंटीग्रेटेड चिप इज मेड ऑफ, आपके इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर जो लेयर होती है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन, आपने सुना होगा सिलिकॉन चिप भी बोला जाता है, तो आपकी आईसी के ऊपर वाली लेयर सिलिकॉन से बनी होती है। द लेयर ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज मेड ऑफ, आपके मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर वाली लेयर किससे बनी होती है? आयरन ऑक्साइड से बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क का ऊपर लेयर आयरन ऑक्साइड से बना हुआ होता है। राम इज द मेमोरी दैट इज, राम जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो क्या है? वो इरेजेबल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, राम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए रोम इज द मेमोरी दैट इज, आपकी रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है वो क्या होता है? वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। और एक क्वेश्चन है, माउस में आपने सुना होगा माउस में सिंगल क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, तो आप मुझे आंसर दीजिएगा कि माउस में कितने टाइप्स ऑफ क्लिक होते हैं, माउस में कौन कौन से क्लिक होते हैं, कितने टाइप के क्लिक होते हैं, आंसर दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट बाकी जितना भी हम दूसरे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।